और हमारे यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग और अनदर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती है अगर आप लोगों को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। मैं ऑल इंडिया साइकिल राइडर और इस वक्त मैं हूँ मनाली में, और यहाँ से सफ़र की शुरुआत करते हैं आगे की ओर। और ये सफ़र बहुत ही मस्त होने वाला है। मैं ऐसा जगह जाने वाला हूँ जिस जगह का मतलब लोगों को जाने का बहुत ही शौक रहता है। सो फिलहाल हम लोगों को अपना साइकिल वगैरह पैक कर लिया है, मतलब लोड कर लिया है, अब निकलने वाले हैं आगे की ओर। और वो जगह बस आप लोग वीडियो पे बने रहे, वो जगह बहुत ही बेहतरीन जगह होगा। सभी का हटा दो हटा दो हाँ एकदम हाँ एकदम बिल्कुल ना तू जाने कैसा है ये मौसम जाने कहीं से घटा आए खमो की रूप हो। सो ये पूरा सेब का बगान है, एकदम अंदर तक पूरा साफ सफाई चल रहा है, और उस साइड में भी पूरा सेब का बगान। और यहाँ पर देख सकते हो कितने बड़े बड़े सेब आ चुके हैं, देख सकते हो भाई बड़े बड़े हो गए इस पेड़ में। तो उधर तो देखा था छोटा छोटा था, लेकिन ये तो पूरा फला हुआ है घुंघरू की तरह, देख सकते हो पूरा सेब आ पूरा नीचे ऊपर नीचे पूरा सेब सेवी सेब सेवी सेब, मतलब अगस्त तक ये सेब पूरा बढ़ जाएंगे। मजा आ गया भाई ये सेब के पेड़ देख के। से ये है आलू बफरा, ये बिरयानी में डाला जाता है, और कुल्लू मलानी में इसे प्लम कहते हैं प्लम। तो ये प्लम का इधर बगीचा है, ये बगीचा प्लम का है, और पीछे साइड में जो है अप्पल का था। तो यहाँ पर रुके हुए थे भैया के पास। भैया आपका नाम? और राजवीर। राजवीर, सो भैया के दुकान के सामने हम लोग खड़े हुए थे। भैया की दुकान, भैया आपके दुकान में भाई अगर आएगा तो उसको ये रोड में कौन सा जगह इसको बोलते हैं थोड़ा बता दीजिए। ये जो है मस्त इसका राफ्टिंग दुकान है, कुल्लू मनाली के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, जिसमें ये जगह का नाम है डोबी, और ये 40 किलोमीटर के बीच में आता है मनाली से पहले। और हमारे यहाँ पर जो है पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग और अनदर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती है अगर आप लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है मनाली में आकर के, ट्रैकिंग कैंपिंग्स करनी है या बाइक टूर जीप सफारी वगैरह करनी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7018860339। इस नंबर पे आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मनाली से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो भी मेरे थ्रू आपको कभी भी मिल जाएगी। ओके थैंक यू। सो भैया का ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तो आपको आ ही जाएगा, बाकी भैया ने आपको पूरा बता दिया कि कैसे क्या करना है। सो भैया के साथ थोड़ा सा चाय पी रहे हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो देख सकते हैं आई लव कुल्लू मनाली। सो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे भैया के साथ जो मिले थे उनसे, तो यहाँ पर एक शॉल का दुकान है। तो भैया बोले कि यहाँ पर 100 रुपया में रुमाल भी मिलता है, 100 रुपया में शॉल भी मिलता है। तो चलते हैं शॉप के अंदर। हाँ जी, शॉल दिखाऊंगा, मस्त शॉल दुकान है। सो भाई ने शॉप के अंदर ही चाय भिजवा दिया, मस्त चाय है।
सो चाय का चुस्की लेते हैं फिर चलेंगे आगे की ओर। सो ये है राफ्टिंग एरिया, ये सामने देख सकते हो लगा हुआ और उधर देख सकते हो। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू, और कुल्लू से ही ये सामने पुल नीचे उतर के वो बिल्डिंग दिख रहा होगा, वो दुकान वहां से रास्ता कटता है लेफ्ट की ओर। कसोल, कसोल नाम सुना होगा, कसोल बहुत ही प्रचलित जगह है खास करके टूरिज्म के लिए। सो हम लोग अभी कसोल जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के, और अभी लगभग 3:30 बज चुका है। सो देखते हैं कहाँ तक, यहाँ से 32 किलोमीटर है, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। सो नीचे देख सकते हो बगीचा फलों का, एप्पल वगैरह है, मलाना है और क्या क्या है, और ख़ास करके यहाँ पर जो ये जो दिख रहा होगा रेड रेड हल्का हल्का येलो येलो रेड रेड उसमें फूल लगे हुए हैं, ये अनार के। तो कुल्लू में ही 10 किलोमीटर के, एक भैया बता रहे थे कि 10 किलोमीटर के दायरे में ही अनार का सिर्फ खेती होता है यहाँ पर, और वो भी बड़े वाला अनार, एक एक अनार 1 kg का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ अनार का बहुत सारा मतलब बगीचा लगा हुआ है, पूरा नीचे में अनार का ही बगीचा लगा हुआ है। कुल्लू से हम लोग जा रहे थे तो एक सर मिले, सर ने हमें ये जूस पिला रहे हैं। सो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारा सारा कुछ पूछा हाल चाल वगैरह, और मतलब आगे के लिए हैप्पी जर्नी भी बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को, थैंक यू। तो आज हम लोग अभी जा रहे थे यहाँ से मनाली कुल्लू होकर आ गए और भी थोड़ा नीचे, और ये हमारा साइकिल रखा हुआ है देख सकते हैं। और हम लोग आज जिस जगह में ठहरे ये राजू भाई का ढाबा के बाजू में, भैया ने बहुत हेल्प किया, भैया बहुत कुछ किया, आपका वीडियो ऐड हो जा रहा है, भैया पूरा हमें बहुत मदद किया, भैया पानी भी बोले कि अगर थोड़ा मुझे पानी चाहिए बोले यहाँ से ले लेना कोई दिक्कत नहीं, भैया सच में बहुत दिन बहुत अच्छा है भैया, सैल्यूट। सो इस जगह पर हम लोग रुके हुए हैं, और सामने जो जस्ट है, चलिए मैं दिखाता हूँ अनार का बगान, पूरा अनार। मतलब इस जगह पर कुल्लू के बाद से आपको हर जगह अनार का बगीचा मिलेगा। और शाम हो चुका है, शाम मतलब क्या यहाँ पर 5:30 बज रहा है। सो शाम का व्यू भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, क्या मस्त नज़ारा है, देखो सूरज और ये सामने, इधर से लेके पूरा साइड से लेके इधर तक, शाम के कारण नहीं हो सकता है कि आए, लेकिन इधर पूरा अनार ही अनार का खेती हो रहा है। ये देख सकते हो पूरा अनार का बगान लगा हुआ है, पूरा दोनों साइड अनार का। तो भाई पहाड़ों में लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल पेड़ होता है ना, जहाँ तहाँ लगा हुआ है अनार। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।